18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी की 8 सीट पर आज मतदान हुआ। लाइन में लगे लोग ही अब वोट डाल सकेंगे। 8 सीट पर 5 बजे तक 52.64% वोटिंग हुई है। अमरोहा में की अगर बात की जाए तो यहां 61.89% वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। वहीं मेरठ की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 54.62% मतदान, बागपत में 52.74% मतदान, तो वहीं गाजियाबाद में 5 बजे तक 48.21% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 51.66% मतदान, बुलंदशहर में 54.34% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में शाम 5 बजे तक 54.36% मतदान हुआ। तो मथुरा में 46.96% वोटिंग। दूसरे दौर में इन 8 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अभी जो लाइन में लगे हैं लोग वो ही वोट कास्ट कर सकेंगे, नए मतदाता लाइन में नहीं जुड़ सकेंगे। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का वक्त, दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। 91 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से। इन सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे, जब काउंटिंग होगी, पूरे देश की काउंटिंग होगी तब नतीजे आएंगे। लेकिन आज 8 सीटों पर जहां मतदान हुआ है, परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक क्या वोट प्रतिशत रहा, अभी जो कतार में लोग लगे हैं, लाइन में लगे हैं, वो वोट कास्ट कर सकेंगे। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं मतदान कितना हुआ शाम 5 बजे तक, प्रतिशत में ये हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत 52.74% मतदान बागपत में हुआ है। वहीं बात अगर हम गाजियाबाद की कर लें, शहरी इलाके हैं, 48.21% मतदान। इस मतदान को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 51.66% वोटिंग गौतम बुद्ध नगर में हुई है। शहरी इलाकों में खासकर वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बुलंदशहर में 54.34% मतदान हुआ है। हालांकि अभी उन लोगों की काउंटिंग इसमें नहीं है शामिल जो अभी कतार में ही लगे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। अलीगढ़ 54.36% मतदान हुआ है। मथुरा 46.96% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। उसके बाद जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है, जो कर रहे हैं, वो फाइनल जब आंकड़ा आएगा वो भी न्यूज 18 आपको बताएगा। तो चलिए, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अभी कई जगहों पर लोग कतार में लगे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गाजियाबाद से फराह खान हमारे साथ मौजूद हैं, अमरोहा से राजीव सिंह है, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव है, बागपत से पवन गौड़ है। सबके पास बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले बागपत का रुख कर लेते हैं। पवन, यहां पर मामला बहुत दिलचस्प है। पिछली बार चीजें अलग थी, इस बार आरएलडी और बीजेपी एक साथ है, एनडीए गठबंधन है और आरएलडी के खाते में ये सीट गई है। वोट प्रतिशत के लिहाज से और लोगों में किस तरह का उत्साह देखा, हालांकि शाम का वक्त है, देखिए अभी भी मतदान जारी है लेकिन आपके पीछे बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ जो मतदाताओं में जो उत्साह दिखना चाहिए था बागपत सीट पर, क्योंकि जाटलैंड की सीट है, जो चौधरी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है सीट से, खुद चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर अजीत सिंह तक यहां से सांसद रहे हैं। उसके बाद में हालांकि 2014 में बीजेपी इस सीट को जीती थी, 19 में भी बीजेपी ने ये सीट जीती, इस बार बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में ये आरएलडी के लिए सीट चली गई, लेकिन वोटरों में इस बार जो है उत्साह बहुत ज्यादा दिखा नहीं था। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, तकरीबन 65% मतदान बागपत के अंदर हुआ था। इस बार सिर्फ अभी तक अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 52.74% यानी तकरीबन 53% मतदान यहां तक हुआ है। अगर जिस बूथ की मैं बात करूं, यमुना इंटर कॉलेज में ये जो बूथ बनाया गया है, यहां पर भी तकरीबन 55% मतदान अभी तक 5 बजे तक की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो हुआ है। वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि चूंकि आंकड़े जो है वो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो संभवतः जो प्रतिक्रियाएं हैं जो निकल के आ रही हैं तमाम वोटर्स से जब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में जरूर बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोटर्स के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह यहां भी दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। पहले चरण में बहुत ज्यादा मतदान और वो भी तब देखिए गर्मी एक बहाना हो सकता है, जो नेता है गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, काम के बीच में हम कैसे मतदान के लिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां की गई हैं, यहां पर शेड लगाए गए हैं, तंबू लगाए गए हैं ताकि जो लोग आए, जो कतार में खड़े रहे, उन्हें परेशानी ना हो, बावजूद इसके वोट परसेंटेज का न बढ़ना, ये एक चिंता का सबब जरूर है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। उमेश, वहां की स्थिति क्या,
टीवी के राम अरुण गोविल वो चुनावी मैदान में है और मेरठ जब से अस्तित्व में आया है तब से बीजेपी का यहां पर दबदबा रहा है। इस बार जो लोगों का रुझान है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले वोट कास्ट करने के लिए, क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में बेहद दिलचस्प मुकाबला, बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। यहां टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 5 PM तक नियर अबाउट 57% के आसपास की पोलिंग है और ऐसा माना जा रहा है कि मेरठ की जनता पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से 60% के ऊपर की परसेंटेज लाएगी और फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। हालांकि जो पिछले बार का आंकड़ा है 2019 का आंकड़ा है वो 64% के आसपास था। क्या 64% के आंकड़े को पार कर पाता है? ये देखा बेहद दिलचस्प होगा। 54% ही वोटिंग हुई है तो 60% से बहुत दूर है और ऐसा क्यों है? आपके साथ जो लोग मौजूद है उनसे भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी हम सीधा लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे। ये बताइए कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आप लोग बहुत उत्साहित दिखे और प्रचंड गर्मी में भी आप लोग आए, लेकिन पोलिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ पाया जितने की अपेक्षा थी। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग क्या सोच करके किया है और कितना उत्साहित रही है, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? जी बस मोदी सरकार दोबारा चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या मुद्दे क्या इश्यूज रहे जिनके आधार पर आपने अपने वोट को कास्ट किया है और पोलिंग परसेंटेज जो आना चाहिए था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसको लेकर के तमाम व्यवस्थाओं ने बहुत जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन पोलिंग परसेंटेज वो नहीं आ पाया जिसकी अपेक्षा थी, तो क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे? बस सर गर्मी क्या, लोगों में जागरूकता भी कम है और इस वजह से हमने भी लास्ट टाइम में आए तो डल गई, वरना तो दौड़ते आए। मैंने देखा कि आप भागते हुए आए थे। आप आइए, आप दौड़ते हुए आए और इस रेस में आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। बहुत खुश हैं कि आपने अपने लास्ट मोमेंट अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं और लास्ट में आके हमने अपना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी घर से निकल नहीं पाए, तो अब शाम के टाइम निकले तो वो भी नोएडा से आया मैं अपना वोट डालने यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा नर्वस भी था। पर हाँ, मैंने वोट तो बीजेपी को ही दिया बिकॉज हमने देखा है कि रोड का जो काफी अच्छा इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा करा है और ये कर भी रहे हैं, तो इसलिए लौटेंगे आपके पास। तो ये लोगों की राय है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले इन सीटों पर ज्यादा होगा या कम ही रह जाएगा? अमरोहा से राजीव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, यहां पर बीएसपी के दानिश अली जो अब कांग्रेस के हो गए हैं और बीजेपी के कंवर सिंह तंवर के बीच मुकाबला है, बीएसपी भी त्रिकोणीय फाइट बना रही है, दिलचस्पी लोगों की दिखी इलेक्शन में या यहां पर भी शांति दिख रही है? देखिए, अगर अमरोहा की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में से जिन 8 लोकसभा सीटों में मतदान चल रहा है उसमें सर्वाधिक मतदान अमरोहा में ही हुआ है। हालांकि अगर अमरोहा में अब तक के 5 बजे तक की मतदान प्रतिशत की बात करें तो अमरोहा में 69.89% 5 बजे तक मतदान हुआ है। हालांकि 6 बजे और उसके बाद कई बूथों पर यह सूचना आ रही है कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जो 6 बजे तक लाइन में रहेंगे उनका भी मतदान कराया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पिछले बार के चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे तो करीब करीब अभी भी 10% की कमी देखी जा रही है। 2019 में 71.5% मतदान हुआ था। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 6 बजे बाद अगर 5% और भी मतदान बढ़ जाता है तो भी 66% से ज्यादा मतदान अमरोहा में नहीं होगा, तो औसतन 5% मतदान अमरोहा में भी कम हुआ है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे, चाचा क्या कारण है कि लोग इस बार बाहर नहीं निकले जिस तरह पिछले? कटाई का मौसम चल रहा है, गर्मी ज्यादा है, हाँ। और रुचि कम है मतदान करने में, हाँ। लोगों की, हाँ। यही कारण है। ऐसा क्यों क्यों रुचि कम हुई है? लगातार प्रयास की गई, निरंतर प्रयास कर रहे थे, बस रुचि वैसे ही कम ले रखी है, हाँ। क्यों? इसलिए नेताओं से नाराजगी थी, सिस्टम से? सिस्टम से नाराजगी तो नहीं थी, मगर नेताओं से नाराजगी थी, हाँ। नेताओं से नाराजगी थी। हमारे साथ शिवो मैं जो लगातार पूरा चुनाव कवर कर रही है, लोगों में उदासीनता है, नाराजगी है। लौटेंगे आपके पास भी, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी फराह वहां से मौजूद है। फराह, खासकर शहरी इलाकों में वोट को लेकर, मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच और भी ज्यादा उदासीनता देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में 50% भी शाम 5 बजे तक वोटिंग नहीं हुई और तमाम कोशिशें प्रशासन की वो लगता है धरी की धरी रह जा रही हैं। आपने लोगों से बातचीत की, किस तरह का रुख है?
इनका बिल्कुल, देखिए अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो शहरी वोटर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, इसी के लिए कदम उठाया था कि जो 250 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो है लोगों को दिक्कत ना हो वहां पर पोलिंग बूथ बनाई गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ 48% जो है वो वोटिंग हुई है 5 बजे तक, और अगर हम 2014 की बात करें तो 56% थी, और 2019 की बात करें तो 55% थी। और उसी तरीके से अब हम देख सकते हैं कि अब ये आशंका लगाई जा रही है कि उतना भी पूरा हो पाएगा या नहीं, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हुई है। देखिए यहाँ का मुकाबला जरूर दिलचस्प है और लोगों का जो सिनेरियो है वो बदला है, और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है अपने मुद्दों को लेकर, उन्होंने काम को लेकर वोट किया है। लेकिन इनका जो प्रयास किए गए थे, क्योंकि लोगों से अपील की गई थी और ये लग रहा था कि लोग जो है अपनी बिल्डिंग से नहीं जा पाएंगे, एक लॉन्ग वीकेंड है, उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि देखिए गाजियाबाद दिल्ली से सटी सीट है और इसको हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रही है ये निराशाजनक है, और लोगों में उस तरीके से उत्साह देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि चलिए दोपहर का वक्त है, लेकिन जब शाम हुई तो शाम में भी जो है वो उस तरीके से लाइनें नहीं देखने को मिली। मैं जैनमती इंटर कॉलेज थी, मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि सुबह में धूप खत्म हो गई, जैसे धूप खत्म हो गई तो लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि ये वीकडेज है, वीकेंड भी नहीं है। वीकेंड पर कई बार होता है कि माना जाता है कि लोग आराम करने के मूड में आ जाते हैं, वो नहीं चाहते कि अपनी आराम में कोई खलल हो उनके आराम में। लेकिन वीकेंड पर तो, और वो भी तब जब तमाम शिक्षण संस्थानों की बात करें या ऑफिसर्स की बात करें, हाफ डे की छुट्टी, फुल डे की छुट्टी, और उसके बाद भी वोट परसेंटेज का इस तरह से कम रह जाना, ये चिंता का विषय जरूर है। आप तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव, पवन मेरठ से, उमेश और फरा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी चर्चा के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चिंता यही है कि आखिर वोट परसेंटेज को बढ़ाया कैसे जाए। चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहा है लेकिन वो कारगर होती साबित नहीं दिख रही हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वोट परसेंटेज जरूर नहीं बढ़ा लेकिन जो पहुंचे हैं वो देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ मुख्य चेहरे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, युवा से लेकर बुजुर्ग तक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाहर निकले। और अशोक गहलोत जोधपुर में उन्होंने वोट कास्ट किया, पी विजयन जिन्होंने कन्नूर में वोट कास्ट किया, ओम बिरला कोटा में उन्होंने वोट कास्ट किया, इनके किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर में इन्होंने वोट कास्ट किया। ये वीवीआईपी चेहरे हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ये भागलपुर मथुरा अमरावती की तस्वीर देखिए, बेंगलुरु त्रिशूर की तस्वीर देखिए, बेंगलुरु में राहुल द्रविड़ जो कि लाइन में खड़े होकर जिन्होंने मतदान किया है, वहीं बेंगलुरु में नारायण मूर्ति ने वोट कास्ट किया। भागलपुर में की तस्वीर आप देखिए जहां पर नेहा शर्मा परिवार के साथ पहुंची वोट कास्ट करने के लिए। युवा से लेकर बुजुर्ग तक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे, दूल्हा दुल्हन के अलावा कई दिव्यांग भी वोट देने पहुंचे, उन्हीं पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में एक दुल्हन ढोल नगाड़ों के साथ मतदान केंद्र के लिए निकली, हाथ में वोटर कार्ड लिए वो मतदान करने पहुंची। दुल्हन को पोलिंग बूथ पर देखकर दूसरे वोटर भी हैरान जरूर हुए। अमरोहा में दूल्हा गाड़ी में सवार होकर वोट देने पहुंचा। मध्य प्रदेश के सतना और बिहार के कटिहार में दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में वोट देने आए, बूथ तक पहुंचे, अपने पतिदेव के साथ जरा बात कर लेते, किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं, अभी कब शादी हुआ है? कल ही। कल शादी हुई है तो अभी ससुराल जाना है। हाँ। तो मतदान कितना जरूरी है? मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके हमारे भविष्य के लिए। मेरठ में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़ी मिसाल पेश की है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग वोटिंग के लिए मेरठ पहुँचे, उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। दंपत्ति का कहना था कि वोटिंग के लिए वो दिल्ली से मेरठ पहुँचे। दिव्यांग है लेकिन हौसला बुलंद है और वोट सभी को करना चाहिए। सर बिल्कुल, मेरा ऑपरेशन हुआ है लेकिन वोट देने के लिए मैं घर से निकला हूँ और फोर्ट ईस्ट से मैं आया हूँ, दिल्ली से सिर्फ वोट डालने आया हूँ विकास के लिए। हॉस्पिटल से आए हैं? आपका ऑपरेशन कहाँ का हुआ है? घुटने का ऑपरेशन हुआ है। आप दिल्ली में अस्पताल में थी, पति का ऑपरेशन हुआ है, आपके भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मतदान अवश्य करना है, ये जोश है और ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। 20 दिन से हम यहीं आने की सोच रहे थे, कैसे ही पहुंच जाएं, चाहे एम्बुलेंस से जाएं, चाहे कैसे भी जाएं, यहाँ पे आ जाएं बस। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। सब घर से निकले, चाहे कैसी भी हालत में निकले। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस से वोट देने पहुंची। 75 साल की महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद वोटिंग के लिए उत्साह दिखाई दिया। बिहार के बांका में भी अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे जो बीमार भी थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। यहां पे आप देखिए कि एक बुजुर्ग जो मतदाता है वो यहां पे पहुंचे हैं, चलने के हालात में नहीं है, लेकिन देखिए तो इनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंखों में आंसू के बावजूद जो है ये वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और ये वोट देना जो है वो सुखद है, ये इस ढंग से कहते हैं कि ये है मतदान का जो है वो लोकतंत्र क्यों महान है। अमरोहा में एक बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर में बैठकर मतदान करने पहुंची। 95 साल की उम्र में कड़ी धूप की चुनौतियों को भी पार कर लिया। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला वॉकर की मदद से वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर आई। दूसरे चरण में जम्मू की सीट पर भी वोटिंग हुई। यहाँ के पोलिंग बूथ पर एक दिव्यांग वोट देने के लिए पहुँचा और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया। राजस्थान के राज सुमन में भी लोकतंत्र के पर्व पर लोगों का जोश हाई दिखा। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँचे। राजस्थान के बाड़मेर में लोग बस और ट्रेनों में दूसरी जगह से अपने मतदान क्षेत्र में वोट करने के लिए पहुंचे। 20 से करीब बसों से वोटर पोलिंग स्टेशन पर आए। जो पहली बार मतदाता बने हैं वो छात्र भी वोट देने के लिए पहुंचे। राजस्थान के टोंक में छात्राओं ने वोट दिया। पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता के लिए कई जगहों पर ग्रीन पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीट पर प्रत्याशियों का इम्तिहान है। इन सीट पर कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता तक शामिल हैं इनमें। खुद वोट देने आए और लोगों से भी इन्होंने वोट डालने की अपील की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनावी फाइट है। इसमें राजनीति के कई दिग्गज हुंकार भर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के विपक्ष के बड़े नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वोट डालने के बाद कहा, राजस्थान में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी, विपक्ष पर वार किया। मोदी जी ने देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए, देश को आगे बढ़ाया, देश की ताकत दी, नई दिशा दी, इस और आगे का रोड मैप बनाया, इसलिए और लोगों का विश्वास भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा। इंडिया गठबंधन आप मानते हैं मुकाबले में? इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा ही नहीं। उनके अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, उनका कोई नेता डिसाइड नहीं है, इसलिए इंडियन गठबंधन बनाने की कोशिश की। लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा यूज करते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कहीं चुनाव में दिख नहीं रहा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जोधपुर से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मतदान के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हो, वो ऐसी तरह से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनवा देंगे। देखिए, इस तरह का झूठ बोलने की राजनीति शायद वही करते होंगे कि सोने की सीढ़ी चढ़ाएं या आलू से सोना निकालें। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ में काम कर रही है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे और आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। तो हैट्रिक लगेगी गजेंद्र और निश्चित रूप से। हेमा मालिनी मथुरा सीट से लगातार 2 बार सांसद है और तीसरी बार भी उन्होंने जीत की उम्मीद जताई है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि हम जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जीत की हैट्रिक लगेगी और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। बीते 10 बरस में जो काम उनकी तरफ से किया गया है, उनको भरोसा है कि उसी काम पर जनता मुहर लगाएगी। मेरठ सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। रामायण के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का इम्तिहान है। मतलब हमारे दिल में कुछ और है, हम कहें कुछ और। ये काम मैंने कभी जिंदगी में किया भी नहीं और मैं अभी भी नहीं करना चाहता, कि कोई जरूरत नहीं है उसकी करने की, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट, यू नो। तो उससे फर्क पड़ता है बहुत, लोगों के जो हमारे प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता है।
गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग और परिवार के साथ मतदान केंद्र में वोट देने आए उनका मुकाबला कांग्रेस की डॉली शर्मा से है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने महेश शर्मा को उतारा है। महेश शर्मा का कहना है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए मैं आश्वस्त हूँ, कहा प्रधानमंत्री जी ने सिखाया, उत्साह रहना चाहिए, अति उत्साह नहीं। हमारी पार्टी का पूरा कैडर, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से ले रहे हैं और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे और पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में होंगे हम। और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की और प्रदेश की जनता मन बुना चुकी है। उन्हें एक गार्जियन के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक परिवारजन के रूप में देश की जनता स्वीकार कर चुकी है। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम नफिर से बीजेपी की जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दिए। अलीगढ़ में इस बार समीकरण बदले हुए हैं, बसपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया और ब्राह्मण यहाँ पे बड़ी तादाद में, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो जानता है क्या ब्राह्मण वोट कटेगा, राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ता है, देश के लिए, व्यक्ति कास्ट के लिए चुनाव नहीं होता। सपा कांग्रेस इस बार गठबंधन के जरिए मैदान में है, कुछ फर्क पड़ेगा? पहले सारे संयुक्त एक थे, जब 2,40,000 से जीता था, अब 4 लाख से जीता। अमरोहा से कांग्रेस ने दानिश अली को चेहरा बनाया है। दानिश का कहना है कि यहां से उनकी जीत तय है। सर किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? बहुत अच्छा, एक तरफा है। अमरोहा की जनता कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जो है अपना आशीर्वाद देकर के। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है। नवनीत ने बड़ी जीत का दावा किया है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो जिंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी, जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है और मैदान है। बीजेपी ने अपने युवा सांसद तेजस्वी सूर्या पर फिर से भरोसा जताया है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने भी मतदान किया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में मतदान करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी बीच बड़ी खबर, ब्रिजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट से झटका लगा। इस मामले में आगे की जांच कराने की याचिका खारिज हो गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। ब्रिजभूषण सिंह ने दावा किया था कि घटना के दिन वो भारत में नहीं थे। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह मामला है। आगे की जांच कराने की याचिका खारिज हुई है। ब्रिजभूषण को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ वो इस उम्मीद में है कि उन्हें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उतारेगी चुनाव मैदान में, उनके नाम की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है उनकी सीट पर, और दूसरी तरफ अदालत से लेता है। बरेली सीधे लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की बरेली में रोड शो है। थोड़ी देर में पीएम मोदी रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बरेली पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी की है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। लगभग 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है जो प्रधानमंत्री को तय करनी है, और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, आम जनता प्रधानमंत्री के इंतजार में बरेली की सड़कों पर मौजूद है। पीएम मोदी रोड शो करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद होंगे। ये सीधी तस्वीरें बरेली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप सड़क के दोनों तरफ लोगों की कतार, बीजेपी कार्यकर्ताओं की कतार देख पा रहे हैं। बड़ी तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर पार्टी की ओर से। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।